हेलो होम ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू चिल्ड्रन होम्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं सेक्टर 6 भावलपुर अपार्टमेंट आपके लिए लेकर बहुत ही जबरदस्त फ्लैट। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारी पूरी सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर कई टावर हैं, बड़ी सोसाइटी है और बिल्कुल साथ में जो ये सामने आप देख रहे हैं ये DDA का पार्क है। सोसाइटी के अंदर बहुत ही अच्छा मंदिर है और ये देखिए ये सोसाइटी का जो है पार्क है, किड्स प्ले एरिया है। तो आपका जो ये फ्लैट है ये पार्क फेसिंग फ्लैट है और साथ में आप देख सकते हैं सामने ये धूप है। तो ये आपकी रहने वाली है बड़ी बालकोनी। तो आज मैंने वीडियो बड़ी बालकोनी से शुरू किया, तो जल्दी से चलते हैं हमारे कॉरिडोर में और दिखाते हैं आपको पूरा फ्लैट। प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेटेड ये फ्लैट है। ये हमारे फ्लैट की मेन एंट्री है जो कि आपकी वास्तु परफेक्ट एग्जिट एंट्री का ये आपका फ्लैट रहने वाला है। बहुत ही मतलब जो है सोबर काम है, बेसिक काम है, काम इसके अंदर आपको कराना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी जो है लाइट यहाँ पर बस ये सिर्फ एक ट्यूब चली हुई है और आप देख सकते हैं कि लाइट से जगमगाता हुआ फ्लैट है। बड़ी बालकोनी के अंदर धूप में आपको दिखा चुकी हूँ। आपके इस वाले रूम से आप देख सकते हैं कि ये जो है धूप, बड़ी बालकोनी, व्यू, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। तो ये देखिए ये हमें मिलता है यहाँ पर हमारा ड्रॉइंग रूम। आपका फर्स्ट बेडरूम ये रहने वाला है अटैच बालकोनी के साथ, कॉमन वॉशरूम, फिर आपका सामने डाइनिंग एरिया, आपका किचन का स्पेस और फिर आपके दोनों आपको यहाँ पर इस तरीके से बेडरूम मिल जाते हैं। और आपको धूप मिलती है भर भर कर क्योंकि साउथ वेस्ट जो है ये आपकी धूप रहने वाली है इस तरफ से। और आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर आपके ड्राइंग रूम में धूप है, आपके रूम के अंदर धूप है और आपके इस वाले रूम में मॉर्निंग की धूप रहने वाली है। तो ये हमारा किचन रहने वाला है। ये देखिए ये आपको यहाँ पर किचन मिलती है। आप इस किचन को जो है आप अगर कुछ मॉडिफाई कराना चाहते हैं, यहाँ से ये दीवार निकलवाना चाहते हैं, ओपन किचन रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। वेंटिलेशन आपको सामने से मिल जाएगा, आपका जो है पूरी विंडो लगी हुई है। डाइनिंग एरिया में भी आपको वेंटिलेशन मिलती है और डाइनिंग एरिया भी प्रॉपर आपको यहाँ पर जो है डाइनिंग स्पेस मिलता है। अच्छी खासी लंबाई है, चौड़ाई काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल सेपरेट आपको उस तरफ डाइनिंग टेबल लग जाएगा तो हल्की सी भी आपकी रूम की एंट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। किचन मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब मैं आपको सबसे पहले लेके चलती हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम में। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है और जो आपका वॉशरूम है इसी वॉशरूम के अंदर आपका जो फर्स्ट बेडरूम से कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। अलमीरा इसके अंदर आपको अभी बनवानी पड़ेगी और जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था इस फ्लैट की ब्यूटी वो है ये, मतलब इसकी बालकोनी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे साइज की आपको बालकोनी मिलती है। और मैंने आपको बताया है ये सोसाइटी का पार्क, साथ में कम्युनिटी हॉल और आपका जो है सामने DDA का पार्क, ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। धूप आपको मिलती है, साउथ वेस्ट की बालकोनी है तो आपको धूप प्रॉपर मिलेगी यहाँ पर, दोपहर से लेकर आपको शाम तक की धूप मिलेगी। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा सेकेंड बेडरूम। तो ये देखिए ये आपका सेकेंड बेडरूम रहने वाला है। तो सेकेंड बेडरूम का साइज भी बहुत अच्छा है, वेंटिलेशन आपको यहाँ पर खूब भर भर के मिलता है, धूप आपको भर भर के मिलती है और व्यू भी बिल्कुल आपको ओपन व्यू मिलने वाला है पूरे ही फ्लैट से। यहाँ पर आपकी जो है अच्छी खासी अलमीरा बड़े साइज की लग जाएगी, अंदर ही है, बाहर निकली हुई नहीं है। और इसके साथ आपको अटैच मिलता है ये वाला वॉशरूम जो कि आपका एक्सेस दोनों रूम्स के साथ रहने वाला है। और ये आपको मिल जाती है यहाँ पर बालकोनी। तो ये आपकी बालकोनी रहने वाली है, बालकोनी से आप व्यू देख सकते हैं। ये जो है हमारा 6 है साथ है, ये पूरी आपकी स्काई लार्क वाली आपकी ये लाइन है और ये आपकी सोसाइटी का नीचे जो है आप कम्युनिटी हॉल देख सकती हैं। और ये जो है डबल हाइटेड मैंने आपको कम्युनिटी हॉल बताया, सोसाइटी के अंदर आपको पार्किंग मिलती है, नंबर डले हुए हैं। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा शांति पसंद नहीं है, कुछ लोगों का होता है कि हमें चाहिए फ्रंट साइड का, मेन रोड फेसिंग का, तो ये जो आपका फ्लैट है यहाँ पर आपको मेन रोड का व्यू भी मिलेगा और आपको सोसाइटी के पार्क का व्यू भी मिलेगा। तो इस फ्लैट के अंदर यही खासियत है कि आपको धूप दोनों तरफ का व्यू आपको मिलता है। ये जो है हमारा बेडरूम यहाँ पर जो है मैंने आपको दिखा दिया सेकंड बेडरूम। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। तो ये आपके थर्ड बेडरूम का साइज रहने वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आपकी ये अलमीरा है ये दीवार के अंदर ही है, बिल्कुल यहीं पर बनेगी, बाहर निकली हुई नहीं है। यहाँ पर भी जो आपका जो ये वाली साइड है ये साउथ वेस्ट साइड है तो आपको यहाँ पर भी धूप मिलेगी, लेकिन क्योंकि ऊपर दूसरी बालकोनी है तो हल्के फुल्के मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। हाँ, वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है ये आपका ये पास का ही
व्यू रहने वाला है। तो अगर आप अपने लिए मेंटेन सोसाइटी देख रहे हैं, बेसिक काम वाला फ्लैट देख रहे हैं, रिजनेबल डील देख रहे हैं, तो बिल्कुल ये वो फ्लैट हो सकता है जहाँ पर आपको जो है प्रॉपर ड्राइंग डाइनिंग 3 BHK 2 बाथ का आपको फ्लैट मिलता है। काम इसमें आप अपनी पसंद से करा सकते हैं और आपका जो है ये पार्क फेसिंग धूप वाला मेन रोड फेसिंग आपका फ्लैट रहने वाला है। अगर मैं हमारे इस फ्लैट की डिमांड की बात करूँ तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए इसकी डिमांड है। प्राइस इसका नेगोशिएबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चिलर होम्स की पूरी टीम आपके साथ है आपको बिल्कुल हैसल फ्री वे से घर देने के लिए। तो सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।